अभी हम लोग आए हुए मरी में। तो फिर चले करते अपना सफर स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राशिद सलीम और आज अपना सफर है मरी के लिए। ये आप रोड देख रहे हैं, मरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये एक पॉइंट आता है अपना बीच में, इसे मंकी पॉइंट कहते हैं। तो ये आप जब भी जाए तो अपने जो ड्राइवर जो भी साथ है उसको बोलना इस पॉइंट पे रोके जहाँ पे ये बंदर खुले यहाँ पे घूमते रहते हैं, बच्चों के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मरी रोड पे। तो ये मरी रोड पे एक पॉइंट है। तो ये रहा आपका भाई रिकॉर्डिंग करते हुए। अच्छा फिर ये चेक करें आप, ये इस्लामाबाद से मरी का रोड है। हम जैसे मरी के करीब होते जाते ये इतने दिलकश नज़ारे यहाँ पे, ये दरख्तों में गिरा हुआ है रोड। और ऊपर से ये कि जितना हम लोग मरी के करीब होते जाते यहाँ पे जो है कि आप साइडों पे देख रहे बर्फ पड़ी हुई है। तो ये जैसे जैसे हम लोग मरी के करीब होते जाते ये जितना आगे जाएंगे पूरा बर्फ से ये ढक जाएगा। ये देखिए, ये जैसे जैसे हम लोग करीब होते जाएंगे मरी के, ये ऐसे ही दिलकश से नज़ारे आपको देखेंगे। ये रोड पे बर्फ पड़ी हुई है, स्नोफॉल हुई थी कल ही। तो ये देखिए आप, अभी हम लोग तकरीबन मरी में पहुंच चुके हैं। ये होटलें बनी हुई यहाँ पे। तो होटलों के नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं ये आप माइंड यही रखें कि 3,000 से 3,500-4,000 मरी में इतना चार्ज करते, लेकिन कोशिश आप यही करना कि माल रोड GPO चौक की तरफ ही होटल लेना, क्योंकि यहाँ से फिर काफ़ी दूर पड़ जाता है और यहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है तो धुंध की वजह से कुछ नज़र भी नहीं आता। फिर मरी पहुँचते हम कराची वालों के रिएक्शन चेक करें। फिर मरी होटल में सामान रख के हमने सोचा चलो पहले माल रोड पे हम लोग पहुँचते। तो ये कुछ वहाँ होटल से हमारे माल रोड का सफर है। तो फिर आगे हम लोग GPO चौक पर। तो ये रही अपनी GPO चौक और यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न पे जाए तो आता है माल रोड। और मरी की सबसे अट्रैक्टिव प्लेस ये है, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हो जरूर पिक्चर लेते हैं, ये है GPO चौक पर ही। और ये रहा मरी का सबसे अट्रैक्टिव प्लेस माल रोड, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है पहले ही पहुंचते हैं कि चलो यार माल रोड चलते हैं, और ये काफी खूबसूरत है। फिर हमने सोचा मरी में थोड़ी तो मस्ती बनती है यार, तो बस ये थोड़ा सा एंजॉय करते हुए हमारे मोमेंट। फिर मस्ती मस्ती में हम लोग कुछ ज्यादा ओवर ही मस्ती कर बैठे। फिर यहाँ से चलते चलते स्पीड से चलने से मेरे पाँव भी नहीं रुके जा रहे थे, इतना ज्यादा स्लिपरी था। ये आप कुछ देख रहे कि मैं भागे ही जा रहा हूँ, मेरे पाँव कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे मुझसे। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बर्फ पे हाइकिंग तो करें। तो फिर ये कि हम लोग मरी की तरफ एक पहाड़ था वहाँ हाइकिंग कर रहे थे, तो काफ़ी हमें मज़ा भी आ रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा ही थी। स्नोफॉल देखने का काफ़ी मेरा दिल था यहाँ आके, सो कल स्नोफॉल भी हमने देखा। चलो फिर अपना मरी का सफ़र ख़त्म हुआ, अभी हम जा रहे हैं मरी से इस्लामाबाद। तो ये कि एक प्लेस और था दिखाने के लिए बट वो मेरे पास वीडियो मिसिंग है उसकी। तो ये कि मरी के बिल्कुल करीब पड़ता है पटरियाटा, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव प्लेस है, तो वहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। तो जब भी आप मरी जाए तो पटरियाटा ज़रूर जाना। तो ये कि दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, लाइक कमेंट और आगे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।